सो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं मलाड मार्केट क्योंकि हम लोग इतने दिनों बाद आए थे और मुझे एक्चुअली आईफोन में टेम्पर्ड डलवाना था और बैक ग्लास लगवाना था, तो मैंने सोचा यहीं पे आ जाते हैं और यहीं पे हम लगवा लेते हैं बैक टेम्पर्ड ग्लास। ओके, मेरा ब्लैक ग्लास टूटा नहीं है, बैक टेम्पर्ड ग्लास लगवाना था। हमने सोचा मलाड मार्केट अभी हमारे घर से पास भी और आज हम निकले ही हैं तो लगवा लेते हैं, क्योंकि इसे पता नहीं हम कब निकलेंगे। और थोड़ा थोड़ा देखिए बारिश का ही मौसम हो रहा है, एक लेंस पर बूंद भी लग गई। अच्छा, अभी हम मलाड मार्केट से कार में आ चुके हैं वापस। हम लोगों ने अपने फ़ोन पे भी टेम्पर लगवा लिया है और अभी हम जा रहे हैं घर। और ये सोई नहीं है, अभी अभी बोल रही थी कि व्लॉग तो नहीं बनाया। मैंने कहा बनाया है, मैंने व्लॉग बोली थी क्यों बनाया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, बोली थी फ़ोन गीला हो जाएगा। ओ हेलो चाचा, झूठ बोल रहे हो, है झूठ बोलते हो, लोगों को पुरानी क्लिप दिख गई। सो अभी हम लोग घर पर वापस आ चुके हैं और पता नहीं क्यों थकावट सी हो रही है, वैसे तो यूजुअली होती नहीं है लेकिन अभी हो रही है, तो चलो पहले घर चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मम्मी ने मुझे नीचे भेजा है एक सामान लाने के लिए और हम लोग जो है फ्रेश हो चुका हूँ मैं एकदम, और मम्मी ने बोला कि लेके आ जा। और फ्रेंड्स पता है अभी क्या हुआ, देखो अगर लड़के गाड़ी चलाती है आई सपोर्ट, उनको चलानी चाहिए, ओके दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन अगर वो सेफ चलाए तो अच्छी बात है ना यार, ध्यान से नहीं चलाती तो वो अलग बात होती है, ठीक है। अभी मेरे साथ क्या हुआ, एक साइकिल पे लड़की आ रही थी, उसने पता है क्या किया, ऑलमोस्ट साइकिल पे भाई इंसान लड़का सेफ नहीं है, अगर कोई लड़की साइकिल चला रही है तो लड़का रास्ते पे सेफ ही नहीं है भाई। उसने क्या किया, ऑलमोस्ट साइकिल लेके आई, मेरे यहाँ से निकाल के एकदम धपक, मैं साइड भी हो रहा, ठीक है, बहुत दूर से आ रही थी, मेरे को पता था ये निकलेगी तो मैं दूर भी हो रहा, लेकिन तब भी टकरा के गई। भाई लौंडे यार, साइकिल से रास्ते पे सेफ ही नहीं है यार, हमें क्या बोलूँ यार, अब मैं लड़कियाँ रास्ते पे भी सेफ नहीं है यार, साइकिल से लड़कियाँ ठोक जाती हैं यार, गलत बात है ये। सो फ्रेंड्स देखिए अभी बारिश भी शुरू हो गई, फटाफट भागना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स अभी मैंने सामान भी ले लिया है और चलो अभी मैं आ चुका हूँ अपने टाइम में, और अचानक से बाहर बारिश शुरू हो गई, मैं गेट के अंदर एंटू को छुपा बारिश आई, मैंने कहा भागो, मेरी सांस फूल गई यार। फ्रेंड्स अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, अब बता दिया था। अच्छा, तो घर पे हम लोग आने के बाद मैं खा रही हूँ फ्राइड पनीर विथ मैगी मसाला, जो मैं बहुत बार खा लेती हूँ, जो बेबी पनीर होता है। आप खाओ? नहीं, नहीं खाओ? नहीं, मत खाओ यार। सो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं सुबह के 12:30, दोपहर के 12:30, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं कॉलेज, या फिर ये मान लीजिए जूनियर कॉलेज में मेरा एडमिशन के लिए, मेरे 11th का एडमिशन लेने के लिए, एंड अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे कॉलेज में बात करेंगे, फिर उसके बाद जैसे प्रोसीजर रहेगा वो कंप्लीट करेंगे। हम लोगों का रिजल्ट काफ़ी लेट निकला है, सो इस वजह से हम लोग अभी जा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, अभी तो आधा साल निकल चुका है, लेकिन फिर भी विल कवर अप। कॉलेज में तो आ चुके हैं और अभी यहाँ पे हम बात करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा कॉलेज से भी काम हो चुका है और अभी हम लोग आए हैं डीमार्ट। हमारा एक्चुअली कुछ कुछ ग्रोसरी आइटम्स नहीं थे तो हमने सोचा कि डीमार्ट आया था, डीमार्ट इज द बेस्ट प्लेस, एंड आज अभी मैं और मम्मी वाला एक ऑटो से आए हैं, तो हमने कहा कि ओके है चले जाते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद बिट्टी को ले जाना बहुत मुश्किल होता है, एंड फिर बुट्टी अगर चलती है तो फिर कार ही निकालनी पड़ती है, इसलिए अभी मैं और मम्मी ऑटो से ही आ गए। एंड यहाँ डी मार्ट की काफ़ी लंबी क्यू लगी हुई है, मैंने मम्मी को तो अंदर भेज दिया लेकिन मम्मी का पर्स था तो उसको लॉक करवा के आना पड़ता है, तो अभी मम्मी अंदर जा चुकी है, मैं बाहर हूँ, मम्मी का पहले पर्स लॉक करवाऊंगा फिर उसके बाद मैं भी अंदर जाऊँ। आगे चलो सर जी। सो मैंने मम्मी का पर्स लॉक करवा दिया और अभी मैं भी अंदर जाता हूँ। फ्रेंड्स, हमने सोचा था कि यूजुअली जब हम इन्फिनिटी वाला वो जाते हैं डीमार्ट, वो ज़्यादा रश हो गया अभी, तो हम लोग ये दूसरे वाले का है, लेकिन अब ये वाला ज़्यादा रश लग रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने ही मम्मी को बोला मम्मा इन्फिनिटी वाला नहीं, तो अपन यहीं चलते हैं, और मैं मम्मी को यहाँ लेके आ गया हूँ और जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रश है। सो अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ अपनी ट्रॉली लेके, और मम्मी जो है ऊपर वाले फ्लोर पर गई है शॉपिंग करने के लिए,
सो अभी किसी को तो ट्रॉली और बैग देखना था, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं रुकता हूँ और मम्मी जब तक ऊपर शॉपिंग करके आएगी तब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ। और मम्मी को 10 से 15 मिनट हो चुके, मम्मी अब तक नहीं आई, उनका फ़ोन भी मेरे पास है अभी, अगर उनको मेरे को बुलाना हुआ तो किसी बुलाएंगे, मैं वही सोच रहा हूँ। और ये वाले डीमार्ट में तो यार बहुत ही भीड़ है और कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मुझे लग नहीं रहा था इतनी भीड़ होगी, लेकिन है अभी। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने डीमार्ट से शॉपिंग कर लिया और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। सो फ्रेंड, अभी हम लोग डीमार्ट से वापस आ चुके हैं। सो फ्रेंड, मम्मी ने जो है डीमार्ट से ऐसा एक हैंगिंग पॉट लिया था और उन्होंने फिर बोला था कि हम लोग जो है हमारे घर के जो नीचे जितने फूल वूल लगाते हैं ठेले पे, हम उनसे इसमें डलवा लेंगे। सो अभी मम्मी वो पौधे चूज़ कर रही हैं और फिर उसके बाद हम घर जाएंगे और इनको टांग देंगे, फिर एक नया पौधा आ जाएगा। तो फ्रेंड, हुआ क्या ना, हम लोग वहाँ जब अभी कॉलेज होके आए एंड हम लोगों ने वहाँ पे बात किया एडमिशन का कैसा रहता है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट मच दैट कि मुंबई में कैसे एडमिशन्स होते हैं एंड फॉर आर्ट्स कैसे होता है, तो हम लोग वही बात करने गए थे। सो हम लोगों ने बात किया एंड फैकल्टी, हमने पूछा कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं आर्ट्स में, तो उन्होंने बताया प्रॉपर एंड फिर हम लोगों ने वहाँ से बात करके हम निकले हैं। एंड अभी हम लोग सोचेंगे घर जाके कि क्या करना है, क्योंकि एक्चुअली हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ से करना चाहिए कि भोपाल से, क्योंकि भोपाल में भी आर्ट्स के कॉलेज हैं, लाइक जूनियर कॉलेज टाइप हैं वहाँ पे, ठीक से तो वहाँ पे भी जूनियर कॉलेज टाइप्स हैं, तो हम लोग वही सोच रहे हैं अभी, मतलब घर जाके सोचेंगे कि मैं कहाँ करूँ अपना जूनियर कॉलेज, या फिर मैं अपना 11th किधर करूँ, यहाँ करूँ मुंबई में कि वहाँ करूँ। वैसे मैं तो चाहता हूँ कि मुंबई में करूँ, लेकिन लेट्स सी। और हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, हम लोगों ने अभी दोपहर में भी कुछ भी नहीं खाया है और अभी बज चुके हैं 5:30 और हम लोगों ने मतलब लाइक सुबह से हम लोग निकले हुए हैं। मैं उठा हूँ, मैंने एडिटिंग किया है, मैं एडिटिंग करके जस्ट ख़त्म, लाइक मैं उठा 8 बजे, फिर उसके बाद मैंने 10 बजे तक एडिटिंग किया, 11 बजे के बाद लाइक हम लोगों के सारे काम हुए, हम लोगों ने साफ़ सफ़ाई किया, फिर उसके बाद हम 12 बजे सीधा निकल गए कॉलेज के लिए। एंड वहाँ पर हमने, हम लोगों को लाइक 2 घंटा लगा वहाँ बैठे रहे एंड वहाँ पर हमने इंक्वायरी किया कि कैसा क्या है, फिर उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है, फिर हमने और बात किया, फिर हम लोगों को वहाँ से निकलते निकलते 4 बज गए, फिर 4 बजे का डीमार्ट गया जैसे देखा, तो वही रहा आज का। तो आप तीनों तुलसा जी एक ही में लगा रहे हो? सूखी थी तो फिर बाकी बची रहेगी ना। हाँ, एक्चुअली अभी हम भोपाल गए थे ना, तो हम लोगों ने तुलसा जी जो है वो पीछे वाले, हमने वहाँ किचन वाली जो है खिड़की पे रख दिया था, तो अब वहाँ से धूप आई, तो हम लोग वैसे पिछली बार भी छोड़ के गए थे तुलसा जी को, लेकिन पिछली बार नहीं सूखी थी, लेकिन इस बार सूख गई क्योंकि यहाँ पे भी गर्मी पड़ी थी और पिछली बार तो बारिश हुई थी, तो इस वजह से नहीं सूख पाई थी, लेकिन इस बार गर्मी पड़ी और धूप भी निकल रही थी तो इस वजह से सूख गई, तो इस बार हम लोग यहाँ पे भी तुलसा जी ले रहे हैं वापस फिर से। तो फ्रेंड्स, अभी मम्मी और बिट्टू भैया गए थे डीमार्ट शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, तो वो बीका जी गए थे, बीका जी से वो लाए हैं ढोकला और कचौड़ी। कचौड़ी बाहर है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और ये रही हमारी कचौड़ी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आराना पढ़ाई कर रही है, आज उसका होमवर्क मिला है तो वो होमवर्क कम्प्लीट कर रही है बिट्टी। अभी ऑफलाइन स्कूल खुलने हैं और अभी देखिए इसके एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो कल इसका मैथ्स का एग्जाम है, एक दिन पहले पढ़ाई कर रहे हैं वही, अभी पढ़ाई नहीं कर, अभी पता है ऑफलाइन स्कूल खुलने वाले, तू जाएगी? अरे मस्त जा भाई, मेरे कुछ दोस्त गए थे पता है, जब बीच में खुले थे ना, मेरे को पढ़ने दो यार, मेरे बीच में खुले थे ना फेब में, तब गए थे बच्चे, बहुत मस्ती मारी थी, उन्होंने फोन लेके गए थे क्लास में, पबजी देख गया, तू पबजी खेल रहा है ना अभी, तो भाई देख अभी मेरा एडमिशन हुआ नहीं, जब होगा तब मैं पढ़ाई करूंगा ना, पबजी खेलो, पबजी लेकिन कैसे खेलोगे, पबजी है ही नहीं, बैटल ग्राउंड खेलो है ना, नहीं बैटल ग्राउंड खेल ही नहीं सकते क्योंकि वो पबजी नहीं है, अलग है। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 9:00 और आज हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया है, तो हमारा कुछ खाना बच गया था, लाइक कुछ पराठे वराठे बच गए थे, मैंने सोचा कि हमारे जो कॉलोनी के डॉगी हैं मैं उनको फीड करा के ले आता हूँ, ये बच गया है तो, एंड काफ़ी समय से उन लोगों ने मेरे से खाया नहीं, लाइक मैं भोपाल चले गया था ना फिर मैं उनको दे नहीं पाया था, तो आज मैं इतने दिनों बाद उनको देने जा रहा हूँ। अभी मैंने वहाँ पे डॉगी को दे दिया है एंड अभी वो आराम से खाएगा और अभी मैं घर जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी आरना जो है अपने कल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है, ये देखिए। सो फ्रेंड्स, अभी आरना जो है अपने कल के एग्जाम के लिए तैयारी कर रही है, सो बिट्टी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और ये खाना मत, ठीक है, और अभी मैं अपनी एडिटिंग करने जा रहा हूँ,
सो तुम करो और व्लॉग को खत्म कर दो। एक काम कर बेटी, बोल दे अभी टाटा बाय बाय बोल दे, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी दबाइए, घंटी। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कीप लविंग अस, कीप वॉचिंग अस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे को ऑल द बेस्ट बोलना है तो हमारे वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो और बाय बाय। जो हम यूजुअली इंफिनिटी जाते हैं। Oh, I just missed it.